हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन में सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट होता है। प्रीवियस जो वीडियोस हमने डिस्कस किए थे एलसीसीडी इक्वेशन यानी लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन पर, जो कि आपके बीटेक बीएससी इन वाले सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उसमें पूछी जाती है, उसका जो सेक्शन हमने कवर किया था उसका जो लिंक है वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, तो आप उस जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में बेसिकली पांच टाइप की फॉर्म्स आती है, ठीक है। फर्स्ट टाइप की फॉर्म आती है e की पावर ax, सेकंड आती है साइन ax या फिर कॉस ax। तो ये दो टाइप की जो टर्म्स हैं जिनका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर फ्लैश हो रहा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं टाइप थर्ड, जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि अगर हमारे पास x की पावर n अपॉन फंक्शन ऑफ d आ जाता है, यानी अगर x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 1 इस तरह की अगर टर्म आ जाती है तो उसका पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट समाकल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल सीरीज यूज करते हैं। अब बाइनोमियल सीरीज जो होती है वो इस तरह से होती है 1 प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस nx n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, इस तरह से सीरीज चलती है अब तो कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक। तो ऑब्वियस है हमें इंफिनिटी तक तो जाना नहीं है, तो हमें कहां तक जाना है वो क्वेश्चन हमें बताएगा। तो कैसे बताएगा, तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया आपके पास डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये पार्ट है उसके अंदर पहचान होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन है, यानी फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, सेकंड टर्म का 2 है, थर्ड टर्म का 1 है, और कोफिशिएंट केवल हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको लिखा जाएगा वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हिंदी में पूरक फलन, और पी आई जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ, तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे d की जगह क्या पुट कर देंगे m, तो m पुट करने पर क्या आएगा m क्यूब 2m स्क्वायर m इक्वल टू 0, जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। यहां से इजीली हम m कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये बचेगा, तो एक तो रूट आ गया m बराबर 0, एक आ गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो रूट है दोनों इनका नेचर जो है वो रियल है यानी वास्तविक है, लेकिन ये जो रूट है ये नॉन रिपीटेड है, यानी इसके जैसा और कोई रूट यहां पर है नहीं, लेकिन ये रूट कैसा है रिपीटेड है, ठीक है। तो इनका सी एफ कैसे लिखा जाएगा, सी वन ई की पावर एम, एम की जगह जीरो रख दिया हमने, सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई की पावर, अब एम प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो एम प्लस वन बराबर जीरो, तो एम बराबर क्या आ जाएगा माइनस वन, लेकिन माइनस वन क्योंकि पावर दो है इस फैक्टर की, तो माइनस वन कितनी बार आएगा दो बार, तो इसका मतलब ई की पावर क्या हो गई माइनस एक्स। तो ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया है वो उसी वीडियो में है जो इसका लिंक अभी डिस्प्ले हो रहा था थोड़ी देर पहले, कि सी एफ को कैसे लिखा जाता है, जब नॉन रिपीटेड होता है, जब रिपीटेड होता है, और जब कॉम्प्लेक्स होता है। तीन टाइप के रूट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया सी एफ का, जिसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, सी वन सी टू सी थ्री एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब हम आते हैं पी आई पर, तो पी आई के केस में राइट हैंड साइड के अंदर जो फंक्शन लिखा होता है वो काम आता है, एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद में वाई का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा उसको आपका एज इट इज नीचे लिख देना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियस है, जैसे यहां पर हमने एम कॉमन लिया था वैसे ही हम यहां पर डी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी प्लस वन का होल स्क्वायर, जैसे यहां पर क्या बना था एम प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बाइनोमियल की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक टर्म वन होनी चाहिए और बाकी जो बचेगा वो एक्स होगा, तो ऑब्वियस है देखो यहां वन लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहां पर कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा हमारा x और ये बन जाएगा पावर n, इस टर्म जो भी हमारा ये फैक्टर बना है उसको हम कहां लेके जाएंगे ऊपर, ये d जो है ये अपनी जगह रहेगा क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, एक टर्म है, तो
तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी की पावर माइनस 2। अब हमें क्या देखना है इसको ओपन करने से पहले कि x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है, देखो x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, एक बार और करेंगे तो 2 आएगा, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये जो d होता है हमारे पास, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन, दैट इज d बाय dx। तो इसका मतलब d की पावर अगर 1 आती है तो एक बार डिफरेंशिएशन, d की पावर 2 आती है तो 2 बार, और d क्यूब आता है तो 3 बार। तो 3 बार करने पर वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि हमें ये स्क्वायर कब तक ओपन करना है, जब तक हमें पावर क्या मिल रही है, कितनी पावर मिले हमारे को, कि हमारे को पावर मिले d स्क्वायर तक, यही हमारा बेसिक होगा। तो इसके अंदर हम चलेंगे तो 1 प्लस देखो n, n कितना है यहां पर माइनस 2, और x की जगह यहां कौन है, d है, प्लस n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 d स्क्वायर। यहां पर हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बात तो इस केस में जब हमने यहाँ पर लिखा था ये वैल्यू, जैसे यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 m प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ था, सेम पैटर्न हमने यहाँ लिखा है, स्क्वायर भी वही है, पावर ऊपर जाके माइनस 2 हो गई है। अब जाकर हमें नेक्स्ट पार्ट हमें को क्या करना है, इसको ओपन करना है, और कहाँ तक ओपन करना है, जब तक कि डी की पावर क्या नहीं आ जाती, 2 नहीं आ जाती, क्योंकि 3 करेंगे तो ऑब्वियस है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई डी 1 माइनस 2d प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 अपॉन 2 कितना हो गया, 3। अब इस x स्क्वायर को आप क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है, dx स्क्वायर का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 2x, 3 कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2, और अपॉन में क्या अभी भी चल रहा है d। जब डिफरेंशिएशन d का मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था d by dx, तो अगर ये d नीचे चला जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो d मतलब डिफरेंशिएशन, 1 upon d मतलब इंटीग्रेशन, यहां 1 upon d है। अब एक बार इसका पूरी टर्म का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, x क्यूब बाई 3 x स्क्वायर का, यहां देखो क्या हो गया, माइनस का 4x, तो x का x स्क्वायर बाई 2 और 6 इंटू 1 का x, तो ये हमारे पास आ गया PI, किसका, x स्क्वायर का। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले CF C1 प्लस C2 प्लस C3x e की पावर माइनस x x क्यूब बाई 3 माइनस, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x। तो इस तरह से यहां पर CF और PI दोनों को मिला के फाइनल आंसर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है CF एंड PI। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। तो फिर से हमारे पास x की पावर n है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकालने के लिए फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड को काम में लेते हैं, तो उसमें d की जगह क्या पुट कर देते हैं, m, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो m इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट में, तो दैट विल बिकम आयोटा। तो आयोटा कैसी टर्म होती है हमारी, इमेजिनरी टर्म, यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के अंदर आती है। तो आयोटा अगर आया है तो इस केस में हमने यहाँ पर आगे क्या लिख दिया, 0, जो कि इस टर्म का रियल यानी वास्तविक पार्ट कहलाएगा। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें अब लिखना है इसका सी एफ, तो एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का सी एफ क्या होता है, ई की पावर एल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स सी टू साइन बीटा एक्स। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो अल्फा बराबर हमारा क्या है, 0, और बीटा है जो आयोटा कोफिशिएंट है, तो आयोटा कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1 है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, देखो ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सी वन कॉस बीटा की जगह 1 प्लस सी टू साइन बीटा की जगह 1। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेना है, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जो कि बीटा का, सॉरी आयोटा का कोफिशिएंट होगा, जो कि बीटा बन जाएगा। तो ये तो हो गया पार्ट सीएफ का। अब बात करते हैं
पी आई की, तो पी आई के लिए फिर से हमने हमने क्या लिखा, राइट हैंड साइड नीचे हमने एक टर्म लिखी और 1 को हमने पहले लिख दिया, दैट इज 1 प्लस डी स्क्वायर। अब इस फैक्टर की पावर कितनी है 1, तो इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर क्या हो गई, माइनस 1। अब यहाँ पर x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 टाइम हो सकता है, चौथे टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमें कहाँ तक जाना है, जब तक कि d की पावर 3 या 3 से कम है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर करते ही देखो d की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वहां d स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाले टर्म हमारे काम की नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस डी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो एक्स क्यूब आएगा डायरेक्ट, दो बार डिफरेंशिएशन, तो वन टाइम करेंगे तो 3x स्क्वायर, टू टाइम्स करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर x की पावर n बाइनोमियल सीरीज वाला पैटर्न आता है तो हम उस क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 जो आता है पीआई के अंदर, टाइप नंबर 4 वो आता है ई की पावर ax इनटू बी अपॉन फंक्शन ऑफ डी। तो इस तरह का पैटर्न अगर आता है तो ई की पावर x को हम ले लेंगे बाहर, अंदर आ जाएगा b और अंदर क्या लिख देंगे, डी की जगह डी प्लस ए। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये जो v है ये आप x की पावर m भी हो सकता है, साइन ax भी हो सकता है और cos ax भी हो सकता है। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में, उसमें इंडिविजुअल फंक्शन आए थे, e की पावर ax इंडिविजुअली आया था, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं था, sin cos सब इंडिविजुअल थे, x की पावर n भी क्या था, इंडिविजुअल था। इस केस में क्या होगा कि दो फंक्शन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, प्लस माइनस में तो इंडिविजुअल होंगे लेकिन मल्टीप्लाई में तो वो एक ही टर्म कंसिडर होती है। अब इस केस में अगर इस तरह का पैटर्न आता है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही है हमारा, सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, put d equal to m, तो m square minus 2m plus 1 equal to 0, तो ये हो जाएगा m minus 1 का whole square, तो m बराबर क्या आ गया 1,1, जो कि कैसी वैल्यू है, real और repeated। तो cf कैसे लिखा जाएगा, c1 plus c2x e की पावर x, क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब बात करते हैं pi की, तो pi के केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो एक तरह से ये क्या हो गया e की पावर ax, ये बन गया इनटू v की जगह क्या आ गया x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, e की पावर 3x x स्क्वायर अपॉन फंक्शन ऑफ d, यानी फंक्शन ऑफ d लिख दिया हमने d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये नीचे लिखा हुआ है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इसको क्या लिख सकते हैं, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहां माइनस 1 का होल स्क्वायर था। अब e की पावर 3x को हम ले जाएंगे बाहर, अंदर रहेगा x स्क्वायर। अब ये देखो क्या है, अगर प्लस a है तो d प्लस a लिखना है, जहां जहां d है वहां d प्लस a, a कितना है हमारे पास 3, तो यहां लिख दिया d प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1 ऑलरेडी पहले से था, हमने बस क्या किया d की जगह d प्लस a लिख दिया, और a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है। अब ये e की पावर 3x सॉल्व हो चुका है, इसको नहीं छेड़ना है, ये लास्ट तक हमारे पास ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो e की पावर 3x एज इट इज लिखा, x स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो गया, देखो 3 माइनस 1 क्या हो गया, d प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमारा पूरा फोकस किसको होगा, जो अंदर की तरफ वैल्यू है,
अंदर की तरफ वैल्यू क्या है, x की पावर n है, x की पावर n को सॉल्व करते हैं बाइनोमियल सीरीज से। बाइनोमियल सीरीज का पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है कि एक टर्म क्या होनी चाहिए, 1। अब हम यहां तो d को कॉमन ले सकते हैं या 2 को, अगर मैं d को कॉमन लेता हूं तो बाहर आएगा d स्क्वायर, d की जगह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/d। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो बाहर आएगा 4, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 1+d/2। तो दोनों ही केसेस में 1 तो बन ही गया, लेकिन यहां क्या बाहर आया, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर में डी होता है, यानी हर में डी होता है, तो उस केस में उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन और पावर के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां कितना पावर हो गया, 2, यानी जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसका हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ये काम हम नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हमेशा जब भी डी और कॉन्स्टेंट में ऑप्शन होता है तो हमेशा हम किसको कॉमन लेते हैं, कॉन्स्टेंट को, ताकि वो कंटिन्यू चलता रहे और हमें आगे जाके इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 4, या हो जाएगा 1+d/2 का होल स्क्वायर। तो e की पावर 3x/4x² एज इट इज, 1+d/2 की पावर क्या हो गई, -2। अब x² देखो फिर से, तो इसका मतलब d की पावर कितना चलना है, हमें 2 तक चलना है। तो e की पावर 3x/4x² 1+n(x), फिर n n-1 factorial 2 d/2 का होल स्क्वायर, हमें d स्क्वायर मिल गया। e की पावर 3x/4x² 1, यहां से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहां क्या बचेगा, 1-d प्लस यहां क्या आएगा, तो -3 into -2 6/2 3, और यहां का स्क्वायर दैट इज 4, और यहां आ जाएगा d स्क्वायर। क्लियर। अब x स्क्वायर को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस एक टाइम डिफरेंशिएशन 2x, 3/4 टू टाइम डिफरेंशिएशन 2, तो यहां इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने यहां लिखा था पहले, तो cf c1 + c2x e की पावर x e की पावर 3x/4 x स्क्वायर -2x + 3/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट, किस केस में, e की पावर x * v के केस में। ठीक है, इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। जैसे क्वेश्चन आ गया, d² - 2d + 5 * y = दिया हुआ आपको e की पावर 2x * sin x। अब v की जगह देखो क्या ले लिया हमने, sin x, पिछले केस में क्या लिया था, x की पावर n, यानी तीन टर्म आ सकती है, sin, cos या x की पावर n, sin और cos तो सेम पैटर्न पे चलता है। तो सबसे पहले हमारा काम फिर से क्या होगा, y = cf + pi, cf निकालने के लिए d की जगह m² - 2m + 5 = 0। अब ये देख, हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जरा चार लगा सकते हैं, तो -b + √b² - 4ac / 2a। तो b कितना है यहाँ पर, a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है 5। तो -2 रखेंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा 4 माइनस a इंटू c यानी 20/2a यानी 2। तो 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 16 अंडर रूट में अपॉन 2। तो 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 4i/2। अब 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया, 1 + -2i/2। तो कैसी वैल्यू आ गई है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई है। तो cf कैसे लिखेंगे इसका, तो ये तो हमारे किसकी वैल्यू जाती है, अल्फा की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू जाती है, बीटा की। तो e की पावर x, ठीक है, अल्फा x होता है, तो अल्फा की जगह 1, c1 cos 2x, c2 sin 2x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, cf हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम pi की। तो pi के लिए पहले फंक्शन रखा हमने, अपॉन में d² - 2d + 5 एज इट इज, हमने क्या रख दिया हमारा फंक्शन जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब e की पावर 2x को हम ले लेंगे बाहर, ऊपर रहेगा sin x, d square minus 2d plus 5,
2x का पार्ट लिया तो जहां d है वहां क्या लिखना है d plus 2, तो d plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू d plus 2 plus 5 e की पावर 2x sin x d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 तो e की पावर 2x sin x अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 क्या हो गया कैंसिल आउट तो यहां हो गया 2d प्लस 5 ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था -2d + 5 हमारे पास आ गया +2d + 5 तो ये कोइंसिडेंस है ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू आए ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है कि sin x लिखा हुआ है तो sin ax अगर जब भी आता है तो जहां d स्क्वायर है वहां क्या रख देते हैं माइनस a स्क्वायर और a की वैल्यू हमें x के कोफिशिएंट से मिलती है जो कि यहां कितनी है 1 और उसके आगे हमने लगा दिया माइनस साइन जो कि ये बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करना है तो e की पावर 2x sin x d स्क्वायर की जगह -1 d को हम चेंज नहीं सकते क्योंकि यहां d नहीं है सॉरी यहां d है d स्क्वायर नहीं है प्लस 5 तो क्या हो गया e की पावर 2x sin x अपॉन 2d प्लस 4 तो अभी तक यहां पर नीचे d बचा हुआ है लेकिन d फैक्टर के साथ है कोई टर्म के साथ है इंडिविजुअल होता तो डायरेक्ट इसका क्या करते थे एक बार इंटीग्रेशन ठीक है तो यहां हम क्या करेंगे अब e की पावर 2x sin x अब नीचे से हमने क्या करा 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेके यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा d plus 2 अब हमें sin और cos आता है तो d स्क्वायर चाहिए होता है तो यहां पर है d तो हम क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन विद अपोजिट sin ठीक है d plus 2 है तो d minus 2 तो e की पावर 2x अपॉन 2 sin x into d तो ऐसे मैंने लिख दिया d sin x minus 2 sin x नीचे क्या हो जाएगा a plus b a minus b a plus b a minus b क्या हो जाता है a square minus b square फिर से देखो नीचे क्या बन गया है d square जो कि हमें चाहिए था d sin x d ऊपर है एक बार differentiation sin x का cos x minus 2 sin x upon d square है तो d square की जगह फिर से जो last value रखी थी d square की जगह ऐसे दो ये value यार रखनी है minus 1 और minus 4 तो d की power 2x ये कितना हो गया minus 5 into 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ठीक है माइनस का और यहां आ जाएगा cos x minus 2 sin x ठीक है तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे y equal to ये हमारे पास cf था e की पावर x c1 cos 2x plus c2 sin 2x ये तो क्या cf minus e की पावर 2x upon 10 cos x minus 2 sin x तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास PI का तो फाइनल रिजल्ट हो गया CF plus PI तो इस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं PI निकालने के लिए मेन पार्ट होता है कि उसका फंक्शन जो है उसको डिटरमाइन करना और पता लगाना कि कैसे सॉल्व करना है इस तरह से आप इस PI को सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच